तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th सर्कल्स के चैप्टर से वो है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल, कि सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो उसे कितने टेंजेंट बना सकते हैं? एक एक ही बनता है, सबको पता है, लेकिन कुछ केसेस हैं वो आपको समझने हैं, है ना? कुछ केसेस जो हैं वो आपको समझने हैं। इसका आंसर, इस टॉपिक का इसका मतलब, इसका आंसर तो वैसे नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल कितने बनते हैं? एक ही बनता है, ठीक है? पर हमारा ये नहीं, हम कुछ ना आपको सिखाने में, और कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से समझो, ठीक है? देखो वो चीज क्या है ना, कि जस्ट अ मिनट। तो हमारे पास ये तीन अलग अलग सर्कल्स हैं, ठीक है? तीन अलग अलग सर्कल्स हैं, और मैं इन तीन अलग अलग सर्कल पे टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, मेरे पास एक ऐसा केस हो सकता है कि ना, केस क्या है कि मैं एक पॉइंट पी ले रही हूँ, इंटीरियर में ही है मेरा ये पॉइंट पी, ठीक है? और मैं ऐसे करके ना अलग अलग लाइनें बना रहा हूँ इस तरीके से ना, अलग अलग इस पी से गुजरने वाली अलग अलग लाइनें बना रहा हूँ। ये बनाई, ठीक है, एक ये बनाई, और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये टेंजेंट है? तो पहले तो ये बताओ कि ये पॉइंट पी कहाँ है। तो आप कहोगे सर पी इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, पी कहाँ है? सर्कल के अंदर है। तो अब मैं बोलूंगा पी से ये जो लाइनें जा रही हैं क्या वो टेंजेंट बना रही हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। टेंजेंट जब कोई पॉइंट सर्कल के अंदर होता है तो वो टेंजेंट नहीं बनाता है, ठीक है? तो केस वन क्या था? केस वन आपको ये समझा रहा है कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है? देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो अगर पॉइंट जो है सर्कल के अंदर है तो नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं होगा। अब मैंने एक केस टू आपको और बना के दिया, ये देखो, ये ना पी इस बार मैंने सर्कल के जस्ट ऊपर रख दिया, और मैं पूछूं कि क्या इस पी से टेंजेंट बनेगा? तो पी कहाँ है? ऑन द सर्कल। पी कहाँ है? सर्कल के ऊपर। तो देखो, तो कहूँ कि क्या इस पी से टेंजेंट बनेगा, तो आप बड़े प्यार से बोलेंगे हाँ सर, देखो ना, एक ही पॉइंट पे तो टच करके जा रहा है। तो अगर एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, सर्कल के ऊपर अगर कोई एक पॉइंट है तो उसे एक टेंजेंट बनेगा, पर एक ही बनेगा। तो केस टू आपको क्या समझा रहा है? केस टू आपको ये समझा रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, थ्रू अ पॉइंट लाइन एल वाई स्पेलिंग, ठीक है? थ्रू अ पॉइंट लाइन ऑन द सर्कल। तो अगर अ पॉइंट ऑन द सर्कल है तो वन एंड ओनली वन टेंजेंट होगा। तो टेंजेंट बनाने के लिए वो पॉइंट सर्कल के ऊपर भी होना जरूरी है और अंदर नहीं होना चाहिए। केस वन कह रहा अंदर नहीं होना चाहिए, केस टू कह रहा है सिर्फ और सिर्फ ऊपर होना चाहिए। और फिर अगर एक पॉइंट है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा।
केस टू समझो यार, ठीक है, केस टू समझेंगे बेटा हम, पूरे थ्री। तो केस थ्री का ये है कि अगर मैं मान लो ये मेरा सर्कल है तीसरा वाला, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लूं, बाहर में एक पॉइंट लिया इस बार, ठीक है, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया P। अब मैं कहूं इस P से हमारे इस सर्कल के ऊपर जो कि केस थ्री का सर्कल है उसमें कितने टेंजेंट बना दोगे P से, तो P से इस केस थ्री वाले सर्कल पे, थर्ड सर्कल पे कितने टेंजेंट जाएंगे, तो आप कहोगे सर एक तो यहां से जाएगा, और कहां से जाएगा, तो आप कहोगे सर एक ये भी तो जा रहा है, ठीक है, तो एक हमारा ऐसा चला जाएगा, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ठीक है, हाँ तो सब बना रहे हैं, इसलिए टेढ़ी हो गई है, एक ये जा रहा है हमारा, ठीक है, स्पीड से। अब और कहीं से आप लोगों की नजर में आ रहा है कि जा सकता है, तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि देयर आर, अब उसको नाम दे देते हैं क्यू और उसको नाम दे देते हैं आर, तो देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, टू अ पॉइंट, और ये पॉइंट कहाँ है, लाइन आउटसाइड द सर्कल, टू अ पॉइंट लाइन आउटसाइड द सर्कल। तो हमें पता है क्या नई चीज सीखने को मिली, कि अगर कोई पॉइंट है और वो सर्कल के बाहर है, तो उस पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर कितने और कितने और सिर्फ कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो सिर्फ दो, और सिर्फ दो ही बना सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं बना सकते। तो हमें इस पूरे सिनेरियो से क्या पता चला, इस पूरे सिनेरियो से ये पता चला कि अगर कोई पॉइंट इंटीरियर में है, केस वन बता रहा हूँ, कि अगर पॉइंट इंटीरियर में है तो हमें सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट नहीं मिलेगा उस पॉइंट से, और केस टू से पता चलता है कि अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो उसे एक ही टेंजेंट बनेगा। और केस थ्री क्या बताता है, केस थ्री बताता है कि अगर सर्कल के बाहर एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट मैक्सिमम और एग्जैक्टली एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट बनेंगे, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारे तीन केसेस हैं, ये आपको ना एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, अजर्शन रीजनिंग वगैरह में पूछ सकते हैं। तो इन चीजों को, इन स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ के जाना, समझ के जाना, ठीक है, फिर वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा सकता है जर्शन रीजनिंग में, एमसीक्यू में। तो दैट विल बी योर कॉल, आपको फिर उस टाइम पे देखना है कि हमें कैसे संभालना है, ठीक है। सुनो बेटा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो तुमने कहा कि सर हमें तो कुछ समझ नहीं आया, तो देखो डायग्राम से समझो, मैं डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा कि मतलब क्या है, ठीक है, मैं आपको इस डायग्राम के जरिए समझाऊंगा कि इस पूरी कहावत जो मैंने लिखी उसका मतलब क्या है। तो देखो, कह रहा द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मेरे पास इस सर्कल का जिसका सेंटर मान लो ओ है, ठीक है, सर्कल का सेंटर जो है हमारा ओ है, इस O, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है मेरे पास मान लो P, तो मैं बोलूं बेटा इस P से कितने टेंजेंट बनेंगे, तो अभी आप पढ़ के आए हो, आप बोलोगे सर दो, है ना, मैं कहूंगा बना के, तो आपने बना भी दी, देखो एक तो ये वाला जाएगा और एक ये वाला जाएगा, मान लो ये नाम PQ है और इसका नाम PR है, तो हमारी थ्योरम जो है 10.2 यही कहती है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स यानी PQ और PR की जो लेंथ है जिसे हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट P से बनाया है वो इक्वल है, मतलब PQ और PR हमारे क्या है, इक्वल है, ये हमारी थ्योरम 10.2 कहती है। क्या कहती है थ्योरम 10.2, कि जो PQ टेंजेंट और जो PR टेंजेंट दोनों को कहां से बनाया था, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से, वो दोनों इक्वल है, वो दोनों क्या है, इक्वल, और इसका प्रूफ आता है सिर्फ और सिर्फ दो नंबर में, थ्योरम लिख के आएगी कहेगा प्रूफ करो, तो सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना है,
तो गिवन क्या है, गिवन आपको है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, जिसे हमने एक्सटर्नल पॉइंट पी से बनाया हुआ, ये गिवन है ना। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है ना, और क्या है, दो टेंजेंट है पी क्यू और पी आर, जिसे हमने कहां से बनाया है, पी से बनाया। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, तो प्रूव हमें बेटा ये करना है कि जो ये पी क्यू है ना वो पी आर के बराबर है। ठीक है, पी क्यू को क्या करना है, पी आर के बराबर प्रूव करना है। प्रूफ देखो, प्रूफ से पहले ना बेटा कंस्ट्रक्शन लगे, तो कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखना बेटा, कि ना ओ से क्यू ज्वाइन करना है, ओ से आर ज्वाइन करना है, ओ से पी ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये लिख भी दो क्या क्या किया आपने, ज्वाइन किया ओ पी ओ क्यू ओ आर। तो अब देखो प्रूफ, हमारे पास दो ट्राइंगल है बच्चों, एक तो ट्राइंगल है पी क्यू ओ और एक ट्राइंगल है पी आर ओ, है ना, एक ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जो तुम्हारा एंगल पी क्यू ओ है ना ये वाला, और एंगल पी आर ओ, ये दोनों 90 है। क्यों है, क्योंकि देखो OQ तुम्हारा रेडियस है और PQ तुम्हारा टेंजेंट है, दोनों दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो लिख दो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलो दूसरी चीज, OQ OR के बराबर है। ठीक है, OQ जो है OR के बराबर है, क्यों, दोनों रेडियस और वो भी सेम सर्कल के, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तीसरी चीज समझो, तो जो OP OP है ना वो दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन। तो अब क्राइटेरिया क्या लगी, तो पहले राइट एंगल है ना दोनों में एक एक, और राइट एंगल के अपोजिट ओपी ऊपर वाले ट्रायंगल में भी इक्वल है, और ओपी ओपी नीचे वाले ट्रायंगल में भी इक्वल है, मतलब कॉमन है, यानी हाइपोटेनियस भी इक्वल है और ओक्यू ओआर भी इक्वल है, यानी एक एक साइड भी इक्वल है। तो क्राइटेरिया लगी आरएचएस, तो देयरफॉर ट्रायंगल पीक्यूओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीआरओ बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या बोलोगे भाई, सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, पी क्यू पी आर के बराबर, यही तो प्रूफ करना था ना, यही तो हमें प्रूफ करना था, खत्म था। ठीक है, लास्ट में छोटा साइंस प्रूफ लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन ऐसे खत्म। अब आगे देखो, अब आएगा हमारा एग्जांपल वन। ठीक है, अब बेटा हमारा आएगा एग्जांपल वन। तो एग्जांपल वन देखो क्या कहता है आपसे। ठीक है, एग्जांपल वन, एग्जांपल वन कहता है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कह रहा है कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस डिफरेंट होता है ना, क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सेम सेंटर बट रेडियस डिफरेंट। देखो एक ये मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और मान लो अभी रुको मैं अभी थोड़ा सा ना यहाँ पे उसको थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ, है ना,
अभी इसको अंदर बैठाऊंगा जाके उसके लिए जाके, ठीक है? इसलिए ना अभी ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता। तो ये देखो हमारे पास मान लो दो ये सर्कल्स हैं कॉन्सेंट्रिक, और दोनों का सेंटर क्या है O, दोनों का सेंटर क्या है O। तो कह रहा है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सेम सेंटर है ना, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल में जब तुम कॉर्ड बनाओगे ना, मान लो ये देखो बड़ा सर्कल है ना, तो इस बड़े सर्कल में जब तुम कॉर्ड बनाओगे और ऐसी कॉर्ड जो छोटे सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, मान लो यहाँ पे टच कर रही है, छोटे पॉइंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, मान लो ये ए बी नाम की कॉर्ड है और पी पे टच कर रही है, तो ये जो कॉर्ड ए बी है ना, ए बी वो पी पे बाइसेक्ट होती है, ये प्रूव करना है। ए बी जो है पी पे बाइसेक्ट होती है, ये प्रूव करना है। तो देखो गिवन क्या है, गिवन है अ सर्कल, नहीं आ सर्कल नहीं, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी क्या है कॉर्ड है विच टचेस स्मॉलर, ठीक है, विच टचेस स्मॉलर सर्कल एट पी, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि ए पी जो है वो बी पी के इक्वल है, ए पी जो है वो बी पी के इक्वल है। तो देखो बेटा प्यारा सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, कुछ नहीं करना, ज्वाइन करना ओ से पी, कर लो ज्वाइन। अब ओ से पी क्या है बच्चों, ओ से पी रेडियस है छोटे सर्कल का, और पी से बी क्या है टेंजेंट है, पी से बी भी टेंजेंट है, और पी से ए बी क्या है टेंजेंट, यानी ए बी हमारा टेंजेंट और ओ पी हमारा रेडियस, एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं परपेंडिकुलर, कहां से थ्योरम 10.1 से। तो प्रूफ, प्रूफ कि सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो देयरफॉर ओपी जो है वो बेटा क्या हो जाएगा ए बी पे परपेंडिकुलर, OP जो है वो क्या होगा AB पे परपेंडिकुलर। और लास्ट ईयर आपने ना एक थ्योरम और पढ़ी कि जब भी हम क्या बोलते हैं सेंटर से कॉर्ड AB के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, थी ना एक थ्योरम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, तो ऑल्सो परपेंडिकुलर From the center to the chord, bisects the chord। तो इसीलिए देखो OP हमारा AP के ऊपर AB के ऊपर perpendicular था ना, और ये theorem थी perpendicular from the center, यानी OP नाम का perpendicular center O से बना और किस chord के ऊपर गिरा AB के ऊपर, तो उसको AB को bisect कर देगा, तो therefore AP is equal to क्या हो जाएगा BP, यही तो प्रूफ करना था, hence proof। अब एक तरीका कई बच्चे ये क्या करते हैं A से O join कर लेते हैं, O से B join कर लेते हैं, फिर दोनों triangle को congruent करते हैं और CP CT से equal करते हैं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, मर्जी आपकी, आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है, choice is yours। अब चलते हैं एग्जाम्पल टू की तरफ, ठीक है, तो आप जब तक मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूं तब तक आप एग्जाम्पल टू पढ़ लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। तो एग्जाम्पल टू में क्या दिया, कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया और ये बोला टीपी और टीक्यू जो है
दो टेंजेंट हैं फ्रॉम टी से, तो हम भी यही लिख देते हैं गिवन गिवन कि टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट टी, ठीक है, किससे हैं, पॉइंट टी से हैं। और प्रूव क्या करना है वो समझो, तो बेटा जो प्रूव करना है वो ये करना है कि जो तुम्हारा एंगल पी टी क्यू है ना, पी टी क्यू यानी जो तुम्हें यहाँ टी दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या बोलते हैं, एंगल ओ पी क्यू के डबल है, टू टाइम्स ओ पी क्यू के है, ये प्रूव करना है, टू टाइम्स ओ पी क्यू, ठीक है, जिस पे डबल चूड़ी लगा रखी है ना, डबल मार्किंग कर रखी है, वो वाला एंगल किस वाले एंगल के, या फिर इस वाले एंगल के डबल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो समझो बेटा, प्रूफ देखो इसका, बहुत सिंपल सा है। पीटीक्यू बार बार चल रहा हूं, तो उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया कि पीटीक्यू को थीटा मान लिया, पीटीक्यू को माना है हमने थीटा, ठीक है, पीटीक्यू को क्या मान लिया है, थीटा। अब आप कहोगे सर आपका क्यू और थीटा सेम है, नहीं, क्यू में देखो ना बाहर आ रहा है वो, क्यू में देख रहे हो आर्क बाहर निकल के आ रही है, थीटा में नहीं आ रही, ठीक है। तो अब समझो कैसे करना है, तो बेटा सबसे पहले देखो, मैंने कहा कि ना मुझे एक थ्योरम पता है 10.2, सिंस टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, सिंस टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, तो देयर फॉर TP बराबर TQ, बाहर के पॉइंट T से जब भी हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाएंगे दोनों इक्वल होंगे, तो हमें पता ही है ना थ्योरम, ठीक है। अब तुम्हें एक ट्राइंगल दिख रहा होगा सभी को, कौन सा ट्राइंगल, PTQ, आई होप सभी को ट्राइंगल PTQ दिख रहा है। तो PTQ में आप लोग क्या देख रहे हो, PTQ में आप लोग देख रहे हो कि जो तुम्हारा TP है ना, PP वो TQ के बराबर है, दैट इज TPQ is an isosceles, is an isosceles triangle, ठीक है। और क्योंकि अब तुम्हारा TP TQ के बराबर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ देखो कि जो TP है और जो TQ है इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल, यानी मेरा ये वाला एंगल इतना सा एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो मैं लिखूंगा कि मेरा एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू होगा एंगल टी क्यू पी, और क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल आर इक्वल। तो देखो अब एक चीज और देखो बेटा, अब इसी ट्रायंगल में मैंने लगा दिया एंगल सम प्रॉपर्टी, इसी ट्रायंगल में मैंने क्या लगा दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो मैं बोलूं एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना, 180, ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल को प्लस करूंगा 180 आएगा, क्यों आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल, ट्रायंगल के सभी एंगल को प्लस करो 180 आता है। आगे समझो, अब तुम्हें पता है ना कि जो तुम्हारा एंगल TQP है, ये वाला TQP किसके बराबर है, TPQ के, है ना, तो जिस TQP के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ठीक है, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इस TPQ को, तो ये रहूंगा इस TPQ को जिसको अंडरलाइन कर रखा है उसको भी क्या कर दूंगा, TPQ plus angle PTQ is equal to 180 degree, क्यों किया, तो लिख देना yes angle TQP जो था ना वो TPQ के बराबर था, तो अब क्या हो जाएगा, 2 times
एंगल टी पी क्यू है ना, टू टाइम्स एंगल टी पी क्यू प्लस पी टी क्यू की वैल्यू आपको पता है पी टी क्यू की वैल्यू क्या थी बेटा, थीटा थी ना, थीटा है ना, पी टी क्यू की वैल्यू क्या थी, थीटा इक्वल टू 180। अब मैंने क्या किया सुनो, यहां से ना आपने पी पी क्यू की वैल्यू निकाली तो थीटा को उधर भेजना पड़ेगा, थीटा को उधर भेजना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू कितना 180 माइनस थीटा, तो एंगल टी पी क्यू कितना, तो आप बोलोगे हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना इसको तो टी पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ दोनों से मल्टीप्लाई होगा 180 से भी और थीटा से भी, तो 180 का हाफ करोगे 90 माइनस थीटा बाई टू, 90 माइनस थीटा बाई टू इक्वेशन वन, इक्वेशन वन। अब बेटा यहीं गौर से देखो, तुम डायग्राम में गौर से देखो जो मैं दिखा रहा हूँ ना तुम लोगों को, तो बेटा यहाँ पे एक चीज देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा ये ओपी क्या है, ओपी क्या है रेडियस, रेडियस ये तो है, और टीपी क्या है टेंजेंट, टीपी क्या है टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर, क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो एंगल ओपीटी कितना आ जाएगा, एंगल ओपीटी आ जाएगा मेरा 90, ठीक है, एंगल ओपीटी कितना आ जाएगा 90, ठीक है ना, और से देखें ना ओपीटी कितना आ रहा है मेरा ना, थोड़ा सा मैंने थोड़ा ना कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया, देखो यहीं पे साइड में ताकि दिखता रहे, है ना, तो इसी स्क्रीन के बराबर में तो कर उधर जगह नहीं बचेगी, तो देखो यहाँ पे गौर से, ओहो शिट, हाँ तो देखो आप लिखोगे सिंस सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, तो तुम्हारा ओपी जो रेडियस था बेटा, देखो डायग्राम में गौर से, ओपी जो रेडियस था वो टीपी पे परपेंडिकुलर होता, दैट इज हमारा एंगल ओपीटी कितना होता, ओपीटी होता बेटा 90, लेकिन तुम जब गौर से देखोगे ना तो ओपीटी दो एंगल से मिलकर बना है, ओपीटी हमारा दो एंगल से मिलकर बना है, ठीक है, ओपीटी अपना दो एंगल से मिलकर बना है, कौन कौन सा, OPQ और TPQ, है ना, तो मैंने क्या कहा एंगल OPQ जो है ना दो एंगल से बना है, कौन कौन सा, ठीक है OPT दिख रहा है ना, OPT ज्यादा बड़ा लिख दिया, तो देखो एंगल OPT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ, ठीक है, तो देखो तो हमारा ओपीटी, ओपीटी अभी तो निकाला तुमने कितना है 90, तो इसकी जगह रख दिया 90, टीपीक्यू, तो टीपीक्यू की वैल्यू ये रही बच्चों, टीपीक्यू की वैल्यू क्या रही 90 माइनस थीटा बाई टू, है ना, इसको थोड़ा रेड पेन से लिखता हूँ ताकि ना दिमाग में बैठा रहे कि हाँ भाई टीपीक्यू, टीपीक्यू ये रही वैल्यू, मिटाई देता हूँ, टीपी की वैल्यू ये रही, टीपी की जस्ट अ मिनट, तो बस टीपी की वैल्यू ये जो रेड वाला मार्क किया था वहां से उठा दिए मैंने वैल्यू यहाँ तक, ठीक है, और प्लस ओपी क्यू को तो ओपी क्यू रहने दो क्योंकि यही तो निकालना है एंगल ओपी क्यू, तो जब तुम उसको खोलोगे ना 90 माइनस 90 माइनस थीटा बाई टू प्लस एंगल ओपी क्यू, है ना, 90 से 90 कट जाएगा और माइनस का थीटा बाई टू उधर चला जाएगा,
तो माइनस का जब थीटा बाई टू उधर जाएगा तो प्लस का थीटा बाई टू हो जाएगा, प्लस का ही तो होगा है ना, प्लस का थीटा बाई टू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। अब तुम्हें पता है थीटा किसकी वैल्यू थी बिल्कुल शुरू में? चलो और बताओ थीटा किसकी वैल्यू थी। तो देखो बेटा थीटा किसकी वैल्यू थी, पी टी क्यू की। थीटा किसकी वैल्यू थी, थीटा पी टी क्यू की वैल्यू थीटा थी, तो थीटा की जगह पी टी क्यू डाले, तो एंगल पी टी क्यू अपॉन में टू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। अब टू को उधर भेज दो तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। यही तो पूछा था, hence proved, answer proved, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल थ्री में क्या दिया है कि ना पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है यहां देखो, गिवन है ठीक है कि PQ is equal to 8 सेंटीमीटर और रेडियस इस सर्कल का जो है, रेडियस ऑफ सर्कल जो कि इस डायग्राम में OP से दिखाया गया है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है 5, ठीक है। और जो आपको निकालना है वो ये निकालना है कि जो TP नाम का टेंजेंट है ना उसकी लेंथ क्या है, टीपी टेंजेंट टीपी की लेंथ क्या है। तो देखो बेटा अब इसे बहुत गौर से समझने की कोशिश करना है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है और वो कंस्ट्रक्शन बहुत गौर से समझना है कि ना सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन देखो क्या करना है। आपको T से O ज्वाइन करना है, ज्वाइन OT, OT को ज्वाइन करना है। फिर एक कंस्ट्रक्शन और है कि जो तुमने TO बनाया ना, तुमने TO बनाया वो एंगल बाइसेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। तो TO जो है तुम्हारा अपने आप ऐसे बन ही जाएगा कि ज्वाइन TO, ठीक है, TO को ज्वाइन कर दो जो कि है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, क्या है वो एंगल बाइसेक्टर है, टीओ क्या है एंगल बाइसेक्टर है, जॉइंट टीओ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी पीटीक्यू का, टीओ क्या है पीटीक्यू का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास में ना तुम एक थ्योरम प्रूव करने को आती थी, देखो साइड में बना दे रहा हूँ फिर मिटाऊंगा कि ना मान लो ए बी सी आपका एक आइसोसेलस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है और आपसे प्रूव करने को कहता था कि प्रूव करो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। हमें ये बोला जाता था कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, दो साइड इक्वल है और हमें ये प्रूव करना होता था कि उनकी अपोजिट जो एंगल है वो बी इक्वल है, यानी एंगल बी एंगल सी के इक्वल प्रूफ करना होता था। तो डायरेक्टली ऐसे तो होता नहीं था, तो अपन एक कंस्ट्रक्शन करते थे, याद है क्या कंस्ट्रक्शन करते थे कि हम ए से बी सी के ऊपर एक एंगल बाइसेक्टर बनाते थे एंगल ए का, तो हमारा एंगल वन और एंगल टू इक्वल हो जाता था, होता था। अच्छा एंगल वन और एंगल टू क्या हो जाता था, इक्वल हो जाता था, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते थे, देखो मान लो ये है, उसके बाद हमारा ट्राइंगल ए बी पी जो है एंड ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। फिर तुम सी पी सी टी से कह देते थे कि एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है, और सी पी सी टी से अगर मैं बोलूं कि क्या बेटा बी पी इज इक्वल टू सी पी प्रूव हो सकता है, तो हो सकता है ना, बी पी इज इक्वल टू सी पी भी तो है ना, बी पी इज इक्वल टू सी पी भी तो है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब भी हम बेस के ऊपर
ठीक है, बेस के अपोजिट वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, तो बेस को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि इसी चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है। बाइसेक्ट भी करता था और परपेंडिकुलर भी होता था, क्योंकि ये वाला एंगल के भी बराबर आएगा और दोनों लीनियर पे है, सॉल्व करोगे 90 भी आ जाएगा ना। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना क्योंकि अभी ये काम में आने वाली है, ठीक है, चीज आपके काम में आने वाली है। प्रूफ देखो, प्रूफ तो अब आपको क्या पता चलता है कि कभी भी आइसोस, पहले तो देखो पीटीक्यू को हमें आइसोसेलस ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा, तो वी नो दैट tangents from tangents from an external point to a circle are equal क्या होते हैं, equal होते हैं, ठीक है। तो therefore क्या हो जाएगा, TP is equal to TQ हो जाएगा, TP किसके बराबर हो जाएगा, TQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। TP क्या होगा हमारा, TQ के इक्वल हो जाएगा, और that is, आप ये भी बोल सकते हो कि triangle TPQ is an isosceles बन जाएगा, is an isosceles triangle, है ना। और सिंस, तो जो मैं पीछे भी आपको समझा रहा था ना साइड में वो एबीसी वाला ट्रायंगल, तो सिंस क्या कि जो बेस के अपोजिट वाली एंगल होती है, बेस हमारा इस ट्रायंगल में पीक्यू है, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, पीक्यू, सिंस क्या कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ Angle opposite to base perpendicularly bisects the base। इस लाइन का क्या मतलब है कि the angle bisector of angle opposite to base, base PQ है क्योंकि TP और TQ तो इक्वल है, तो ये बेस तो नहीं हो सकती, बेस वो होता है आइसोसेलस ट्रायंगल में जो इक्वल नहीं होता है, PQ के अपोजिट एंगल कौन है, टी, उसका जब भी तुम एंगल बाइसेक्टर बनाओगे ना बेस के ऊपर, तो बेस को बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, तो दैट इज, अब इससे क्या मिल रहा है, देयरफॉर तुम्हारा PR जो है वो QR के बराबर हो जाएगा, और PQ पूरा 8 था, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ ये वाले एंगल जो है ना 90 बन जाएगा, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। एंगल पी आर ओ जो है हमारा कितना हो जाएगा, एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, इन राइट ट्रायंगल पी आर ओ, सबको दिख रहा है पी आर ओ, तो पी आर ओ में आर ओ के अपोजिट तो बेस हाइपोटेनियस है, यानी ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर क्यूब बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू पता है आपको, ओपी की पता है 5, PR की पता है 4, रख दो, OR स्क्वायर पता नहीं, सॉल्व करोगे तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 - 16, 9 इज इक्वल टू OR स्क्वायर, OR आ गया बेटा 3 सेंटीमीटर, OR आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर, मैंने अलग से निकाला ना, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा अलग पेन से मार्क कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हमने बाद में निकाला 3 सेंटीमीटर।
अब एक राइट ट्रायंगल तुम्हें और भी तो दिख रहा है, पीआरटी दिख रहा है ना, पीआरटी। तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया कि जो पीटी है ना, पीटी ठीक है, उस पीटी को मैं मान लेता हूं एक्स, इस टीपी को इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और जो टी आर है इसको मैं मान लेता हूँ था वाई, क्या मान लेता हूँ वाई। तो अब देखो तुम्हारे पास एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है पी आर टी, सबको दिख रहा है ना, पी आर टी दिख रहा है ना, ये वाला, ये पी आर टी है ना। तो इसमें भी पाइथागोरस लगा दो, इसमें भी पाइथागोरस लगा दो। तो देखो इन राइट ट्रायंगल पी आर टी है ना, तो आर के अपोजिट है कौन, आर के अपोजिट है तुम्हारा पी टी यानी टी पी। तो टी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो एक चीज, यहाँ पे टीपी मुझे पता नहीं है, टीपी मेरे को नहीं पता है ना, मैं ऐसे ही रखता हूँ टीपी स्क्वायर, जो कि मुझे निकालना है। पी आर मेरे को पता है, पी आर मेरा कितना है, फोर का स्क्वायर प्लस टी आर भी नहीं पता, टी आर को टी आर स्क्वायर रहने दो, टी आर को टी आर स्क्वायर रहने दो। तो मेरे को एक बार टीपी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मुझे टीपी तो चाहिए। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोल रहा है, टीपी फाइंड करने को बोल रहा है ना, है ना। और टीपी को मैक्स मान चुके हैं और टी आर को वाई, लिखा नहीं तो लिख देना, लेट टीपी इज इक्वल टू एक्स और टी आर इज इक्वल टू वाई। इससे थोड़ा क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तुम्हारा 16 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन वन। अब तुम बेटा फिर से आओ, अब तुम्हें एक चीज दिख रही है ओपी, सबको दिख रहा है ना ओपी, ओपी दिख रहा है ना, मेरा ओपी क्या है, रेडियस है, और पीटी क्या है, टेंजेंट, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो लिखो कि सिंस सिंस रेडियस इज, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो देयर फॉर रेडियस कौन था, ओपी, टेंजेंट कौन था, पीटी, परपेंडिकुलर। तो आपका ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी, दैट इज, अब यहां से तुम्हारा एंगल ओपीटी कितना आ जाएगा, एंगल ओपीटी आ जाएगा 90। अब इस ओपीटी में पाइथागोरस लगा दो, अब इस ओपीटी में पाइथागोरस लगा दो। तो देखो पी 90 है ना, उसके अपोजिट कौन है, ओटी, वो हमारी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो अब लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओपीटी, डायग्राम आप लोग ना बुक से थोड़ा कंसीडर कर लेना, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ओपीटी क्या, ओ टी का स्क्वायर जो कि पी के अपोजिट था, इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब देखो ओ टी, ओ टी जो है ना तुम्हारा बेटा, ओ टी वो टी आर प्लस ओ आर से मिलकर बना है, टी आर वाई है, ओ आर थ्री है, यानी वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर है। ओ टी क्या है, वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर। और ओपी, ओपी तुम्हारा रेडियस था जो कि 5 था, यानी 5 स्क्वायर, और टीपी तुम्हारा एक्स था, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैं इसको खोल लूंगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इस 25 को उधर ले चलो, उधर ले चलो, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन टू। अब तुम देख रहे हो इक्वेशन वन भी एक्स स्क्वायर के इक्वल है और इक्वेशन टू भी एक्स स्क्वायर के इक्वल है, दोनों दोनों एक्स स्क्वायर के इक्वल है ना, तो क्या कर लोगे कंपेयर, तो
तो फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से क्या हो जाएगा, वी गेट क्या 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16, तो सिर्फ पता कटता क्या है इससे, ये बच्चे 16 से 16 काट देते हैं, नहीं कटेगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है। तब क्या होगा, ये माइनस का 16 हो जाएगा, 32 बन जाएगा इक्वल टू 6y, तो y की वैल्यू क्या आएगी 32/6, y इज इक्वल टू 16/3। पर y नहीं चाहिए, टीपी चाहिए, और टीपी किससे डिनोट हो रहा था, x से। तब तुम इस y की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, देखो इक्वेशन वन में, हाँ इक्वेशन वन में, तो पुटिंग y is equal to 16/3 in equation 1, और बन क्या आती, बनती x square is equal to, क्या आती x square is equal to 16 plus y square की, अब वैल्यू पुट कर दो, तो x square is equal to 16 plus 16/3 का whole square, 16 plus 256/9, LCM लेंगे 144 plus 256/9, 400/9, ये हमारा x square आया है, तो x की वैल्यू आएगी बेटा 20/3 is equal to TP, तो TP is equal to 20/3 centimeter, बड़ा है लेकिन ना काफी इजी वे में हो जाता है ये, ठीक है। बाकी सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं, पर पर्सनली मैं जो है ना, सिमिलैरिटी से बहुत जल्दी हो जाता है, पर पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूंगा आप, है थोड़ा बड़ा है लेकिन ना बहुत प्यारा और इजी मेथड है ये आपके लिए, ठीक है, ये सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कम से कम ढंग से देखना, प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास पे करने वाले हैं, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।